मैं वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूँ मैं स्वयं इस युद्ध को यही समाप्त कर दूंगा। आक्रमण! गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन! गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो। सारथी, रथ आगे लो। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पिता, क्योंकि आप पौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए! स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। महामहिम, हार जाएंगे, कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्या मैं पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए देखिए कैसे मौन खड़े हैं। ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कलासी को भीम स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध तामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। रुद्रोण का यहां से मैं संभालता हूं। अर्जुन तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। कैसी आज्ञा माथा। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। आवश्यकता है तुम्हारी। कैसी अनुभूति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है। बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन। आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है।
महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं। मैं जानता हूं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत अद्भुत ब्रिस्टेन। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत अद्भुत ब्रिस्टेन। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र ब्रिस्टेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ? वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके, उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। युद्धभूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज।
जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंचे वास्ते अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है। धर्मराज, तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। और वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। अर्जुन नहीं, कौन है? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह, वही कर रहा हूँ तो मेरे पिता ने अपने पिता में से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र, यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु
अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। मैं वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूँ, मैं स्वयं इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा। आक्रमण! गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है।